क्या होगा मैं बताऊं? जो बोलना है बोलो। ठकाठक 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 टेम्पो में भेजो मुझे। छोड़ो यार ठकाठक। गुड बाय, थैंक यू। तेजस्वी यादव ने जो लोकसभा चुनाव के दौरान तकरीबन 225 से ज्यादा चुनावी जनसभाएं की, वे इन दिनों अपनी कमोवेश हर चुनावी सभा में ठकाठक, फटाफट, खटाखट और सफाजट जैसे शब्दों का जमकर उपयोग करते हैं। तेजस्वी को उनके विरोधी जवाब भी उसी अंदाज में दिए। मंच से तेजस्वी कहते हैं कि मिजाज रखिए टनाटन, मतदान के दिन वोट डालिए खटाखट। 2024 के लोकसभा चुनाव की राजनीति में ठकाठक, फटाफट, खटाखट और सफाचट जैसे शब्दों ने मतदाताओं का ध्यान खूब आकर्षित किया। पांचवें चरण के मतदान ठीक बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी मैदान में इन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद बिहार में मुख्य विपक्षी दल ने तो अपने विरोधियों पर हमले के लिए इन शब्दों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मंच से नेता प्रतिपक्ष कहते हैं मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन, मतदान के दिन वोट डालिए खटाखट खटाखट खटाखट। 4 जून के बाद भाजपा हो जाएगी सफाचट सफाचट सफाचट। नौकरी मिलेगी फटाफट। दीदी के खाते में 1 लाख जाएंगे सटासट। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों फतेहपुर में अपनी चुनावी जनसभा में संबोधित करते हुए कहा कि पंजे और साइकिल के सपने टूट गए खटाखट। अब 4 जून के बाद की प्लानिंग हो रही है, हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए खटाखट। मुझे तो कोई बता रहा था कि विदेश का टिकट भी बुक हो गया है खटाखट। इसके पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंच से खटाखट शब्दों का प्रयोग किया था। इन शब्दों का प्रयोग इंटरनेट मीडिया पर पिछले दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को अमेठी का बताया गया है। इस वीडियो में एक बुजुर्ग मतदाता कह रहे हैं कि अमेठी में खटाखट कांग्रेस को वोट पड़ेगा, स्मृति ईरानी फटाफट हारेंगी। परिणाम चाहे जो भी रहा हो, लेकिन 2024 की राजनीति में इन शब्दों में काफी जोर पकड़ा और मतदाताओं को भी फटाफट खटाखट सफाचट जैसे शब्द काफी पसंद आए और जनता के बीच चर्चा में रहे। आइए सुनते हैं कि किस नेता ने कैसे अंदाज में क्या क्या कहा। इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की, इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे। और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे। और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी। कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। साथियों, देश चलाना सोने की चमक लेकर के पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है। आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी, देश की जनता मोदी सरकार तो बनाएगी बनाएगी, लेकिन इतना भर नहीं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। क्या होगा मैं बताऊं? 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है,
और भी बहुत कुछ होगा, बताओ क्या होगा, बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट खटाखट। किसी ने तो मुझे कहा कि शायद वो टिकट बुक कराने की सूचना भी दे दी है। भाइयों बहनों, एक खटाखट खटाखट भाग जाएंगे, हम ही रह जाएंगे, हम और आप रह जाएंगे। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक, और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। खटाखट खटाखट खटाखट, क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे, खटाखट खटाखट खटाखट। आप लोगों से इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। अरे मिजाज बानू टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफाचट सफाचट सफाचट, कांग्रेस और लालटेन पर वोट गिरेगा ठकाठक ठकाठक ठकाठक, माले को वोट पड़ेगा ठकाठक, वीआईपी को वोट पड़ेगा ठकाठक। तो इसलिए मिजाज एकदम बुलंद रखिए। माताएं बहनों के अकाउंट में लाख रुपया पहुंच जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। और जब से दिल्ली वालों ने सुन लिया खटाखट खटाखट खटाखट, तब से वो भी बोलने लगे हैं खटाखट खटाखट खटाखट। हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम अपने प्रेस के साथियों भी कह रहे हैं, 4 जून के बाद अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन हम सबके सुनहरे दिन आने वाले हैं। और मीडिया वालों के 4 जून के बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस वाले दिन आने वाले हैं। और जो लोग अपने साथियों को विदेश पहले ही भगा चुके हैं, वो अपने मित्रों को विदेश एक एक कर करके भगा चुके हैं खटाखट खटाखट खटाखट। और जिन्होंने कहा था कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, जो वैक्सीन से चंदा वसूला और इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जो उन्होंने बड़े पैमाने पर पैसा गट कर लिया, वो कह रहे हैं गटागट गटागट गटागट। और अब जनता ने भी मन बना लिया, जब वोट डालेंगे तो इनको कर देंगे फटाफट 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 विदा। और हमारे बांग्ला भाषी इतने भी लोग हैं, इतनी बांग्ला तो मुझे नहीं आती है, लेकिन हाँ खटाखट खटाखट का पूरी ताकत के साथ 1 तारीख के हाथ के पंजा पर वोट पड़े के चाहिए। और कैसे पड़ी, अरे खटाखट 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 खटाखट।
और तुहार काम हम करब फटाफट फटाफट फटाफट। तो हर महिला गरीब महिला के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए खटाखट 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 साल का 1,00,000 रुपया करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।